कल्चर डे के मौके पर इलाकाई सकाफती रंगों की बहार। नजीर हुसैन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वीक्स के तीसरे रोज कल्चर डे मनाया गया। कल्चर डे के मौके पर इलाकाई सकाफत के स्टॉल्स लगाए गए, जहां पर इलाकाई सकाफत के साथ साथ इलाकाई जबानों का भी इस्तेमाल किया गया। दिल तजमंग कल्चर डे वा छिपाई के बलोची पंजाबी एंड सिंधी चिकम कल्चर अगी पल पल कल्चर चिकम दे एक्सप्लोर कलर और मुंग तेरे मज़ा आला डांस हम पके हुए स्टॉल्स हम लगी दिल्ली और जमुन यूनिवर्सिटी चिकम ने एन एस टी नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी था। वो लोग मेहमान नवाज हैं, जैसा कि आपने देखा, आपको आते ही हमने कहवा बना के पिलाया और ये अखरोट रखे हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं जो वो लोग आमतौर पर खाते हैं, और ये कुछ उनका रहन सहन, जैसे ये आप बैग देखें, ये ड्रेस देखें, तो ये उनका एक ट्रेडिशनल है, तो इसको बस हमने रिप्रेजेंट किया है। पठान को अखरोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पठान जो है वो गुस्से के बहुत तेज होते हैं, बिना सोचे समझे वो रिएक्ट कर देते हैं। कल्चर डे को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तलबा और तालबात के साथ साथ यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी भरपूर अंदाज में फाल दिखाई दी। होता है फिर नेक्स्ट वीक हम डिजाइन करते हैं कवाली, कवाली का पूरा एक अरेंजमेंट होता है, फिर पिकनिक अरेंज करते हैं, तो पूरा वीक इसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत अच्छी एक फिजा कायम होती है नसीब में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा एक इवेंट रहता है हमारा। कल्चर डे के मौके पर स्टूडेंट्स अपने अपने कैंप में मौजूद रहे और इलाकाई जबान बोलते रहे। बलूची वास्कोटे में बलूची गुआरानी गोदा देखिए मैं बराता बलूची बलूचिस्तान कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उसके बारे में लोगों को बता सकें कि वो किस तरीके से रहते हैं और वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन न्यूज़ से बात करते हुए तलबा और तालबात ने इस इवेंट के हवाले से तफसीलात बताई। बहुत सारी अरेंजमेंट्स करी हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमने चीज़ें लेकर आए हैं और अपने डिफरेंट कल्चर को हमने जो है रिप्रेजेंट करा है। आज हमारा कल्चर डे था, कल जो है वो म्यूज़िक का है, फिर आगे और चीज़ें होंगी जैसे कवाली वगैरह है, फिर एंड हो जाएगा। कल्चर डे के अख्तिताम पर इलाकाई रक्स पेश किए गए जिन्हें हाजिन ने बेइंतहा सराहा। कैमरामैन कामरान अहमद के साथ आसिफ नफीस, ज़मीन न्यूज़, कराची।